Good morning, students. Welcome to online class of Devotee Bhagavad Public School. Our class is Geography Lesson 8. Today we are doing Geography of Classic Lesson 8, India. Climate, Vegetation and Wildlife. This is the name of Chapter 8. You read in newspaper daily and watch on TV. Or here other talking about weather, you must have known that weather is about day to day change in the atmosphere. आपने रोज ऐसे न्यूज पेपर हम डेली पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं या फिर हम दूसरे से कोई बात करते ही सुन लेते हैं कि वेदर जो है आज का मौसम ऐसा है, आज का मौसम ऐसा है. जैसे इन दिनों में ठंड हो रही है तो आज धुंध काफी है, आज धूप निकली हुई है, आज मौसम साफ है. इस तरह को जो होता है हमारे जो ब्रेन में हमारी ये बातें सुनने को मिलती हैं कि आज मौसम अच्छा है, आज बादल है, आज बारिश आएगी, आज धूप निकलेगी या फिर आज ओस पड़ रही है. तो ये चीजें जो होती है ना डे टू डे कंडीशन, डे टू डे चेंजेस वेदर होता है इन द एटमोसफेयर. जो भी एटमोसफेयर के अंदर डेली चेंजिंग हो रही है, डे टू डे के अंदर चेंजिंग हो रही है, वही एटमोसफेयर है. इट इंक्लूड चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एक्सेट्रा. दिस इस तरह की चेंजिंग होती है. ये चेंजेस होती है टेम्परेचर में. मान लो गर्मी है, गर्मी के दिन है, उस दिन हम क्या कहते हैं, आज तो खूब गर्मी है, आज का टेम्परेचर तो इतना है, आज का टेम्परेचर इतना है, आज तो खूब गर्मी है. अगर किसी दिन हवा चल रही होती है तो हम कहते हैं आज मौसम बहुत अच्छा है. तो ये चीजें जो होती है ना, मौसम, सूरज चमक रहा है, आज बारिश है, ये चीजें जो है इसके ऊपर डिपेंड करती है, वेदर के ऊपर. ये डे टू डे का होता है, डे टू डे चेंज होता है. ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू चेंजिंग थोड़ी बहुत आती है, बट कभी कंटिन्यू कई दिन एक जैसा सा ही मौसम बना रहता है, बट फिर भी वो वेदर है. फॉर एग्जाम्पल सच एज इट मे बी हॉट और कोल्ड. ये गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, सनी भी हो सकता है, क्लाउडी भी हो सकता है, यानी सूरज भी निकला हुआ हो सकता है और बादल भी हो सकते हैं, रेंडी भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, खूब हवा तेज चल भी सकती है और शांति भी हो सकता है. जिस दिन हवा ना चले, यू मस्ट हैव नोटिस दैट वेन इट इज होट कंटिन्यूसली सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लॉथिंग. यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड थिंग. जैसा कि अगर मान लो आपने नोटिस किया होगा कि काफी दिनों तक लगातार कंटिन्यू बहुत सारे दिन गर्म गर्मी आ जाए, उस दिन क्या होगा कि हमारे गर्म कपड़े पहनने का मन नहीं होता, हम गर्म कपड़े नहीं पहनते. आज हम देखो पहन के बैठते हैं, हमें शायद ये भी कम लग रहे हैं गर्म कपड़े. इससे भी हम क्या करते हैं कि अंदर बैठते हैं ब्लैंकेट के अंदर, आराम से रूम में बैठ जाते हैं. कई लोग तो क्या करते हैं हीटर चला लेते हैं. जैसा गर्मी के अंदर क्या करते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं, ठंडक आ जाती है, और सर्दी में हीटर ऑन कर लेते हैं, गर्माइश आ जाती है. सर्दियों में हम गर्म चीजें पसंद करते हैं पीना, और कंटिन्यू गर्मी हो तो हम अपने गर्म कपड़े भी छोड़ देते हैं पहनना, और हमें अच्छा लगता है खाना और ठंडी ठंडी चीजें पीना, ठंडी चीजें खाना, ठंडी चीजें पीना, हमें अच्छा लगता है. इट कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टूगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वूलन क्लॉथ. इफ वेन इट इज वेरी विंडी एंड चिली यू वुड लाइक टू हैव समथिंग मोर टू ईट. कभी ऐसा होता है, एक कंट्रास्ट होता है दिन का, कभी गर्मी है तो कभी ठंड है. अगर मान लो ठंड है तो हमें बिना वुलन कपड़ों के भी ठंड लगेगी, हम वुलन कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमें ठंड लगेगी. और कई बार तो इतनी ज्यादा हवा चल रही होती, इतनी ज्यादा चिली चिली यानी कि ठंडी हवा हो रही होती है, ठंड हो रही होती है, कि हमें ऐसा लगता है कुछ तो गर्म गर्म हो जाए खाने के लिए. ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज टू इंडिया आर. वैसे तो इंडिया के अंदर जो सीजन रिकॉग्नाइज करे गए हैं वो कौन कौन से हैं, देखो कोल्ड वेदर सीजन जिसको कि विंटर माना जाता है, जो दिसंबर से लेकर फेब तक का रहता है, फेब्रुअरी तक का. अब जैसे दिसंबर चल ही रहा है, अब शुरू हो गया और फेब तक रहेगा, ये हो गया कोल्ड वेदर सीजन. अब हॉट वेदर सीजन जो गर्मी का मौसम होता है वो मार्च से लेकर मई तक का होता है. उन दिनों में क्या करते हैं, मार्च में थोड़ा सा ठीक रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, पर गर्मी स्टार्ट हो जाती है, हमारे ये वुलन कपड़े हम भी पहनते हैं.
और कॉटन के क्लॉथ हमारे पहने जाते हैं और बाद में हमारे पंखे कूलर एसी ये चलने शुरू हो जाते हैं, खूब गर्मी होती है। तो फिर आता है साउथ वेस्ट मॉनसून, यह सीजन होता है बारिश का, ये रहता है जून से सितंबर तक, इसमें बरसातें आती हैं, बारिश आती है, मानसून आ गया, कहते हैं ना कि मानसून आ गया। सीजन ऑफ रीट्रीटिंग मानसून, रीट्रीटिंग मानसून रहता है उत्तम यानी कि पतझड़ का मौसम होता है अक्टूबर और नवंबर के अंदर, ये मौसम होता है पतझड़ का। अब आता है कोल्ड वेदर सीजन और विंटर, अब आता है ठंडा मौसम जिसको कि हम सर्दी कहते हैं। ड्यूरिंग दी विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन दिस सीजन, जब सर्दी आती है उस टाइम क्या होता है कि सूरज की जो किरणें होती है ना सीधी नहीं पड़ती है हमारे ऊपर, स्लैंटिंग वे में हो जाती है, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जैसे हम लोग नॉर्दर्न इंडिया में रह रहे हैं, हमारा जो एरिया है नॉर्दर्न, वैसे नॉर्दर्न इंडिया का नहीं है, हमारा नॉर्थ वेस्ट का है, बट नॉर्थ प्रॉपर नॉर्दर्न इंडिया जो है ना वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होता है, तो जम्मू कश्मीर का एरिया है, जो हमारे यहाँ भी खूब ठंड होती है स्लैंटिंग वे में जो है, तो यहाँ ठंड भी काफी है, हमारे प्रॉपर नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में है हम, बट नॉर्थ इंडिया के अंदर तो खूब हो जाती है, जैसे बर्फ बन जाती है, एरिया जो है बंद हो जाते हैं बर्फ से। आप टीवी में देख रहे होंगे कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि बर्फ इतनी जम जाती है कि उनको क्रेन से हटाया जाता है, ऐसा एरिया हो जाता है, जो टेम्परेचर जो होता है ना बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। अब आता है हॉट वेदर सीजन और समर, गर्मी का मौसम। इन हॉट वेदर सीजन सन इज मोर एंड लेस डायरेक्टली कोल्ड इन दिस सीजन, गर्मी का मौसम आता है तो सूरज की किरणें जो होती हैं ज्यादा या फिर कम डायरेक्ट पड़ती हैं इस एरिया में, टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, कोल्ड एंड ड्राई एंड कोल्ड लू। तो जैसे अपने वाला एरिया है इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर है हाई हो जाता है, काफी हाई हो जाता है, गर्म हवा चलती है जिसको कि हम लू कहते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। तो लेट अस हैव फन, पीपल इन ऑल पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री ड्रिंक डिलीशियस कूल ड्रिंक कॉल्ड शरबत मेड फ्रॉम फ्रूट्स अवेलेबल इन देयर रीजन, दे आर एक्सीलेंट थर्स्ट क्वेंचर्स एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम इल इफेक्ट ऑफ द हार्ट फ्लू। लोग क्या करते हैं हमारे कंट्री के डिलीशियस ठंडी ठंडी चीजें बढ़िया टेस्टी वो पीना पसंद करते हैं, जैसे शरबत हो गया जो कि फ्रूट से बना हुआ होता है, इस जो पिया जाता है, और क्या होता है कि जो हमें प्यास लग रही होती है ना उसके लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है कि प्यास बुझ जाती है उससे, एंड ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है, गर्म हवा चल रही होती है उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन भी देता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब ठंडक जाती है शरबत जाता है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है ना गर्मी से बचती है। फिर क्या होता है, हैव यू ट्राइड शरबत मेड फ्रॉम रॉ मैंगो, क्या आपने कभी कोशिश की है कच्चे मैंगो से बनाने की, कच्चे मैंगो से बनती है, हम भी इसको बॉइल कर लेते हैं फिर उसके अंदर चीनी डाल के और बना लेते हैं, बेलगिरी का जूस पीते हैं, लेमन जूस पीते हैं, लेमन का जैसे लेमन ये हम नींबू पानी बनाते हैं, पोकम फालसा वाटरमेलन ये चीजें जो है ना, एंड बटर मिल्क लस्सी वगैरह हम पीते हैं गर्मियों में, अब सर्दी में नहीं मन करता इतना पर गर्मियों में हम खूब पीते हैं, मेड फ्रॉम द कर्ड जो कि दही से बनती है लस्सी, फॉर एग्जाम्पल छाछ मट्ठा मोरी और चैश एक्सेट्रा, जैसे ये एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं ये भी उसी से रिलेटेड है। मैनी मेक बनाना एंड मैंगो मिल्क शेक छू, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बनाना शेक बनाया मिल्क शेक बनाते हैं। आफ्टर अ हॉट समर द फर्स्ट रेन ब्रिंग मच जॉय, जब बारिश आती है गर्मी के जस्ट बाद बहुत अच्छा लगता है। ऑल ओवर लैंग्वेजेज हैव मेलोडीज सॉन्ग ऑन रेन,
they sound happy and ring cheers. Learn two songs on ring and sing them together, write and collect 5 points on ring. उस टाइम क्या होता है, हर लैंग्वेज के अंदर अच्छे जो बारिश से रिलेटेड गाने गाए जाते हैं, खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, दो सॉन्ग जो रेन पे होते हैं और गाते हैं इकट्ठे, राइट दे कलेक्ट 5 points ऑन द रेन. आस्क योर फ्रेंड नेबर एंड फैमिली मेंबर्स द नेम फॉर रेन एंड अदर और सीजन. अब देखो वर्षा हिंदी में कह देते हैं, बारिश उर्दू में कहते हैं, पौध मराठी में कहते हैं, तो बोर्षा बंगाली में कहते हैं. अब ये तो होगी उनकी लैंग्वेज कि किस लैंग्वेज में क्या कहा जाता है. देयर इज अ, देखो अब ये आ गया साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन, जब बारिश का मौसम आता है. तो दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ओन सेट एंड एडवांस मानसून. द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड. They carry moisture with them. When these winds strike the mountain barriers, rainfall occurs. अब ये देखो, ये सीजन जो आता है, ये सीजन बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ द मानसून, मानसून के आने पे आता है, उसके बाद ही बारिश होती है. हवाएं चलती हैं कहाँ से, अरेबियन सी की तरफ से, बे ऑफ बंगाल की तरफ से जमीन की ओर आती हैं हवाएं, और यही हवाएं जो है अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, नमी लेकर आती हैं, और जब ये हवाएं माउंटेन बैरियर से टकराती हैं तो बारिश हो जाती है. सीजन और रीट्रेसिंग मानसून और ऑटम. उसके बाद सीजन यानी कि जो रीट्रेसिंग मानसून है या फिर पतझड़ का मौसम है, उसमें देखो विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन साइन टू द बे ऑफ बंगाल. ये वापस चली जाती है, वापस हो जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ मेन लैंड से. दिस इज द सीजन ऑफ रीट्रेसिंग मानसून. ये सीजन जो होता है ना वो रीट्रेसिंग मानसून होता है, या फिर हम जिसको पतझड़ का मौसम भी कह देते हैं. दिस साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन. जो साउथर्न पार्ट है, अब यहाँ से जो हवाएं वापस गई तो वह जो साउथर्न पार्ट आ गया इंडिया का, जैसे कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इस टाइम वहां पर बारिश होती है. And however, the climate is about the average weather condition. Average यानी कि ठीक मौसम हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती उस टाइम में. This is the season of the rotating monsoon. The southern part of India, particularly Tamil Nadu and other parts, however, the climate is about average weather, which have been measured over many years. The climate of India has broadly been described as monsoon type. जो इंडिया का क्लाइमेट है उसे सीजन को क्या कह देते हैं, मानसून. मानसून इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम. ये अरेबिक का वर्ड है जिसको कि मौसम कहा जाता है, उसी से आया हुआ ये मानसून. विच मीन्स सीजन, जिसका मतलब होता है सीजन. ड्यू टू इंडिया लोकेशन इन ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ रेन इज ब्रॉट बाय द मानसून विंड. इंडिया के अंदर ज्यादातर जो बारिश आती है वो मानसून विंड की वजह से आती है. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन दी रेन. जो भारत के अंदर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी है वो इसी बारिश के ऊपर डिपेंड होती है. गुड मानसून मीन एडेक्वेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप. अच्छा मानसून इसका मतलब क्या हुआ, अच्छी बारिश है, इसका मतलब अच्छी फसल है, इस चीज को माना जाता है. The climate of a place is affected. The climate of a place is affected by the location. ये जो climate होता है ना किसी भी जगह का, उसके location के ऊपर affect करता है. Location की वजह से ही affect करता है. Altitude, distance from the sea and lake. Location, altitude, distance of the sea from the sea and lake. यानी कि समुद्र से कितनी दूरी पर, इन चीजों के ऊपर यानी कि ये इफेक्ट करते हैं सीजन. देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया. जैसलमेर रेप्लिका एरिया के हिसाब से भी होता है. जैसे जैसलमेर और बीकानेर है, इज द डेजर्ट ऑफ राजस्थान. ये डेजर्टी एरिया है राजस्थान का, और वैली होट यहाँ पर बहुत गर्मी होती है. वाइल्ड द्रास एंड कारगिल इन जम्मू कश्मीर आर फ्रीजिंग
कॉल्ड, जबकि कारगिल है या फिर फ्रांस है ये जो है काफी कोल्ड एरिया है, फ्रीजिंग यानी कि बर्फीला इलाका माना जाता है। कॉस्टल प्लेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट, और कोस्टल एरिया जो समुद्र के आसपास का एरिया है उसे माना जाता है मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि ना बहुत ज्यादा ठंड ना बहुत ज्यादा गर्मी, जैसे मुंबई है या फिर कलकत्ता है। दे आर नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं ना बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। बीइंग ऑन दिस कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, इस कोस्टल एरिया के होने की वजह से यहाँ पर ह्यूमिड यानी कि उमस बहुत ज्यादा होती है, गर्म जो नमी बहुत ज्यादा होती है। दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड आर माशरम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, और माशरम जो है मेघालय के अंतर, मेघालय यहाँ बोला जाता है मेघ प्लस अल्लय यानी कि मेघों का अल्लय, यहाँ पर बारिश ज्यादा रहती है बहुत ही ज्यादा, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल यही होती है। वाइल इन द पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल द जैसलमेर इन राजस्थान, जबकि पर्टिकुलर ईयर यानी कि अगर मान लो कोई सीजन भी आ गया ना तो जैसलमेर जो राजस्थान के उसमें नहीं होती इतनी। ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एंड आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।